स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल जूलॉजिस्ट। इस वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ डेटा, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 2019 की बात करूँ तो इस चैप्टर से आए 5 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन, 17 में 5 क्वेश्चन, 16 में 9, 15 में 7 एंड 14 में 6 क्वेश्चन। तो ऑन एवरेज अगर आप देखते हो तो मिनिमम आपके 4 क्वेश्चन तो आने ही हैं इस चैप्टर से। इस बार चांसेस हैं कि इस चैप्टर से आपको 5 to 6 क्वेश्चन आ जाएं। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये समझो आपके 5 या 6 क्वेश्चन कन्फर्म, मतलब 20 से लेकर 24 नंबर के क्वेश्चन आपके कन्फर्म। इतने तो करने ही है। अगर कुछ हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप कर पाओगे। अब आपको जैसा कि मैंने पहले कहा था, करना क्या है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, वर्ड टू वर्ड रीड करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आते हैं। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है एंड कौन सा सेल ऑर्गेनल उसमें इन्वॉल्व होता है। ऑल्दो बोला नहीं गया लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। देखो ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। साइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट के एडिशन को क्या कहा गया, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। सपोज सेम जाएगा लिपिड के लिए, तो ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, बेसिकली एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन लिपिड और प्रोटीन। क्लियर बात है, ये तो हो गया ग्लाइकोसाइलेशन। अब कौन सा सेल ऑर्गेनल इसमें इन्वॉल्व होता है, देखो इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा बुक में दे रखा है, बुक में जिस बच्चे ने पढ़ा उसे पता है इसका आंसर ये होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, इन सब पे क्लिक ना करें क्योंकि आपको पता है ये सारे आंसर गलत हैं। इनके सबके फंक्शन बेसिकली आपको पता होने चाहिए तभी आप सही आंसर पे क्लिक कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, वैक्यूल की सबसे बाहरी लेयर आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है टोनोप्लास्ट, बुक में सीधा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट क्या है, सिमिलर वर्ड है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट है एक प्लास्टिड का टाइप। प्लास्टिड बेसिकली क्या होता है, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट वो है। सेल वॉल एंड प्लाज्मा लेयर तो होगा ही नहीं, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है कि भाई ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट से एनवेलप रहता है हमेशा। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों सेल ऑर्गेनल क्या है, डबल मेम्ब्रेनस। तो बचा क्या सिंगल मेम्ब्रेन के लिए, ये बचा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, करेक्ट आंसर पे चूज करना है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 पढ़ोगे, इसमें पहले बोला गया है कि लाइसोसोम आर डबल मेम्ब्रेनस, भाई ये तो गलत है। हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया तो आगे तो पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं, अगर एक चीज़ गलत दे दी तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन में भी अगर आप पढ़ते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया हुआ है एंड उसके फंक्शन सेम ल्यूकोप्लास्ट के लिए एंड स्फेरियोसोम के लिए बताया हुआ है। तो अगर आप देखते हो तो इन सब का बेस्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, होगा ये सी, क्योंकि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे आंसर सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, न्यूक्लियोलस पे क्या बनता है, क्रोमोसोम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर। इसका आंसर है राइबोसोम, बुक में दे रखा है वहां से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से आपको मिसमैच पे क्लिक करना है। तो देखो अगर आप देखते हो तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि पिल्लाई का फंक्शन तो कभी रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। पिल्लाई एंड फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है, अटैचमेंट होता है किसी भी सरफेस पे, मेजरली होस्ट के टिश्यू सरफेस पे होता ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इन प्लांट इन कोल्ड वेदर मे बी मेंटेन्ड बाय, भाई प्लांट की फ्लूडिटी मेंटेन करने के लिए कोल्ड वेदर में कैसे की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ए, फॉस्फोलिपिड इंक्रीज करके एंड हाइड्रोकार्बन। अब ये कुछ ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द बुक है, ये सिर्फ आपको क्या है सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक से पढ़ना था, जिसमें आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें पहले ही बताया हुआ है जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, लिपिड बाई लेयर होती है ना। क्वेश्चन नंबर 8, किसने सबसे पहले बताया कि जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा शिल्डन एंड सिचवान, रॉबर्ट हुक गलत होगा। अगर जिस बच्चे ने भी इस पर टिक करा होगा वो आंसर गलत है। क्यों सिचवान एंड शिल्डन, क्योंकि अगर आप सेल हाइपोथेसिस पढ़ते हो, सेल थ्योरी पढ़ते हो, तो सबसे पहले इन्होंने ही दी थी सेल थ्योरी। ऑल दो इनकी सेल थ्योरी इनकम्प्लीट थी, गलत थी, लेकिन स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी। सबसे मेन टॉपिक जो इन्होंने पॉइंट दिया था वो यही था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है कि भाई ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल या बेसिकली स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट एंड एनिमल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है वो गलत हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिपिड कौन सा है, तो इसका आंसर होगा फॉस्फोलिपिड। ये भी बुक के अंदर का ही क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक्सप्लेन किया जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप फिम्ब्रेन हटा दो बैक्टीरियल सेल से तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो मैंने आपको अभी जैसा कि बताया था फिम्ब्रे के फंक्शन क्या होते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर होगा क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा बी, बैक्टीरिया वुड नॉट अडेयर टू द होस्ट सेल, होस्ट टिश्यू से जुड़ ही नहीं पाएगा, सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज कंपोनेंट्स आर जनरली, भाई सेल एडेशन एंड रिकॉग्निशन किसकी हेल्प से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स की मदद से होता है। अब वो कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल अकेले हैं, लिपिड हैं या दोनों हैं, या ग्लाइकोलिपिड हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर आप देखो तो आप क्या करोगे, अगर आपको नहीं पता तो आप लिपिड एंड प्रोटीन पर टिक लगा दोगे, लेकिन इसका आंसर है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि जो हमारी लिपिड बाई लेयर होती है वो उस पर कार्बोहाइड्रेट लगा होता है, तो इसीलिए उसे ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बताना है, काम बताना है, क्या सिंथेसाइज करता है, इसका आंसर है स्टेरॉइड, कुछ भी अलग नहीं है, बुक का सीधा आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 14, सीधा क्वेश्चन बुक से उठाया गया है, आपको बस इसके लिए गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स के नाम जानने होंगे, उसके बाद आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा ए होता है आपका सिस्टर्ने होता है, बी वेसिकल होता है, डी आपका होता है सिस्फेज, एंड सी होता है ट्रांसफेज, क्लियर बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन दैट लिमिट इट्स परमिबिलिटी आर, जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन उसमें क्या है, उनकी जो परमिबिलिटी को लिमिट कौन करता है, वो करता है फॉस्फोलिपिड, क्योंकि वो क्या होता है भाई, वो पोलर को अंदर बाहर आने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये लिपिड है, तो इसलिए वो लिपिड मॉलिक्यूल को ही अंदर बाहर आने देगा, एंड अगर पोलर मॉलिक्यूल को अंदर बाहर ले जाना है तो कैरियर मॉलिक्यूल या कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है इन चीज़ों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, जो वेक्यूलर सैप होता है, सेल सैप होता है, उसका पीएच कितना होता है, तो न्यूट्रल टू आइसोटोनिक, कुछ नहीं है ये भी बुक में बताया हुआ है, ऑल दो इसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स पकड़ा दिए जाएंगे। तो देखो इसका आंसर होगा एसिडिक एंड हाइपरटोनिक, सिंपल सा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ऑल प्लास्टिड हैव एसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर, बिकॉज जितने भी प्लास्टिड होते हैं लगभग सबके सेम स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वो सारे एक जैसे काम करते हैं, या फिर वो एक ही हिस्से में होते हैं, या क्या होते हैं, ये सेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं एक से दूसरे में, एंड डिपेंडिंग अपॉन उनके रिक्वायरमेंट। देखो भाई, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सेल के हर एक जो प्लांट होता है या एनिमल होता है, बेसिकली प्लांट की बात होगी क्योंकि प्लास्टिड की बात हो रही है, तो हर एक सेल के अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग प्लास्टिड भी अलग अलग चाहिए होंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं क्रोमोप्लास्ट का, क्रोमोप्लास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको फ्लावर पे मिलेंगे, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है भाई, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर इम्पार्ट करता है, तो कलर इम्पार्ट कौन सा हिस्सा करता है भाई मेजरली प्लांट का, बहुत अच्छा वो करता है फ्लावर, तो फ्लावर पे क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा होगा, क्लोरोप्लास्ट कहाँ ज़्यादा होगा भाई, लीफ में होगा, तो ऐसे ही इनके फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्लेस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, आपको ये कुछ दिए हुए हैं ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, किसके रेस्पेक्ट में, प्लास्टिड के रेस्पेक्ट में, मतलब प्लास्टिड के अकॉर्डिंग ये काम करता है कि नहीं करता। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अगर ए में बोला है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, बी लीनियर डीएनए है एंड आरएनए होता है, सी कैरी आउट एटीपी सिंथेसिस, डी क्वांटिजोम एम्बेडेड इन द थाइलाकोइड, ई ऑकर्स इन द ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर होगा, देखो तीन आंसर सही है, ए सी डी, बी और ई गलत है, क्योंकि पहली बात तो आरएनए नहीं होता है, दूसरी बात जो डीएनए होता है वो क्या होता है आपका डबल होता है, लीनियर नहीं होता है, ठीक है, एंड सर्कुलर होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आपको इनकरेक्ट मैचिंग पे क्लिक करना है, एलियोप्लास्ट में ऑयल आते हैं, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल एंथोसाइनिन पिगमेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन इन द G2 फेज एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन। तो ये क्या करा हुआ है आपको, कुछ भी आपको पार्ट दे दिया गया है एंड उनके फंक्शन लिखे गए हैं, तो देखो इसका आंसर होगा बी, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया गलत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अभी बताया था क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वाजी फ्लूड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, भाई सेल मेम्ब्रेन है वो क्वाजी फ्लूड है, वो किस कारण से है, मतलब सेमी फ्लूड है, किस रीजन से, इसका रीजन है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के कारण ये सब होता है,
अगेन ये क्या है, बुक का क्वेश्चन है, बुक में से सीधा क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए आपको बुक अच्छे से रीड करनी होगी आगे भी अगर आपको और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, गैस वैक्यूल किन में प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सब में। तो देखो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे क्या है, बैक्टीरिया है, एंड बैक्टीरिया के अंदर ही गैस वैक्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद सेंट्रोसोम, भाई इनमें से कौन सा फीचर सेंट्रोसोम से नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखो, पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, टू सेंट्रियोल एंड लिपिड बाइलेयर कवरिंग, तो इसका आंसर होगा डी। अब ये भी क्या है, आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके फंक्शन पूछे गए हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बुक से सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लिटिल जूलॉजिस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि उस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं चैनल के रिगार्डिंग, एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो धन्यवाद।